नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। एमपी यूपी समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी, तो वही आगरा में 0 विजिबिलिटी। इसके अलावा राजस्थान के सीकर में तापमान 6.5 पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंचा, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 500 के पार। सांस लेने में लोगों को हो रही है परेशानी। मणिपुर में हिंसा के चलते हालात बिगड़े। इस बीच सत्ताधारी NDA और नेशनल पीपल्स पार्टी के 27 विधायकों की हुई मीटिंग, जिसमें कहा गया जीरीबाम में 6 महिलाओं बच्चों की मौत के लिए कुकी आतंकी ही जिम्मेदार। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर कल होगी वोटिंग, जहां भाजपा 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही। 6 बड़ी पार्टियां समेत 158 दल मैदान में। बिहार में नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को किया स्थगित। प्रदूषण से परेशान दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण मंत्रालय से मांगी NOC। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स के ऊपरी स्तर से 873 अंक फिसला, ये 77,578 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी भी हाई से करीब 262 अंक गिरा। ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पास हुआ है। दरअसल इससे पहले सोमवार को हरियाणा में 5 साल से अनुबंधन पर काम कर रहे 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं अब सेवानिवृत्ति 58 साल तक जारी रखने के फैसले पर मोहर लग गई थी। आपको बता दें कि सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और पार्ट 2 के आधार पर लगे 50,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। विधानसभा में हंगामे और 2 घंटे की कड़ी बहस के बीच आखिरकार हरियाणा विधानसभा में हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 पास हो गया था। बताते चले कि राज्यपाल की मंजूरी से बाद में ये कानून बन जाएगा। वहीं CM ने सदन में ऐलान किया कि 50,000 से अधिक वेतन वाले कच्चे कर्मचारियों के लिए भी विधेयक लाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को आखिरी दिन रहा। इस सत्र के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक बुला ली है। पंचकुला के भाजपा कार्यालय में शाम 4:30 बजे से होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में नायब सैनी की कैबिनेट के सभी मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 1 महीने के कार्यकाल की समीक्षा होगी। चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में अहम कार्य योजनाएं भी तैयार की जाएंगी। बताते चले कि 17 अक्टूबर को भाजपा सरकार का 1 माह पूरा हो चुका है। राज्य में सहकारी निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं, जो कि अगले साल जनवरी फरवरी तक होने की पूरी संभावना है। प्रदेश में 8 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। भारतीय रेलवे के सभी स्टेशनों पर भले ही CCTV ना लगे हों, लेकिन अब सुरक्षा कवच मजबूत करने के लिए ट्रेन के हर डिब्बे में कैमरा लगना जरूरी होगा। 5,000 से अधिक रेल कोच में कैमरे लगाए जाने हैं। आपको बता दें कि एक डिब्बे में 6 कैमरे लगेंगे, जिसके चलते ट्रेनों में हो रही घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इसके लिए रेलवे ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि वंदे भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों में पहले ही कैमरे लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब शताब्दी, राजधानी, दुरंतो और सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित पैसेंजर ट्रेनों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे सुरक्षा बल RPF के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। दरअसल कैमरे लगवाने की मॉनिटरिंग सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की होगी, लेकिन अधिकतर स्टेशन पर ऐसे सुरक्षा कवच से दूर हैं। ट्रेनों में वारदात को अंजाम देकर अपराधी बीच रास्ते ही उतर जाते हैं, जिसके चलते वारदातें अनसुलझी ही रह जाती हैं। इसके चलते ये फैसला लिया गया है। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।